हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैंकिंग बोल्डनेस। मेरा नाम गोविंद भाटी है और आज मैं बात करूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आज LIC के ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बात करूंगा और एक कडवे सच के रिलेटेड भी बताऊंगा आपको इसके रिलेटेड कि एम्पैनलिस्ट और LIC असिस्टेंट और WO के नोटिफिकेशन को लेकर। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ और अपना IBPS PO का भी एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ और मैं पार्ट टाइम रिलेटेड भी जॉब भी लाता रहता हूँ, और फिर भले वो फील्ड वर्क हो, पार्ट टाइम हो या वर्क फ्रॉम होम हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा वीडियो। मेरा थोड़ा आज गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे स्पेशली रिगार्डिंंग LIC एम्पैनलिस्ट के रिलेटेड। सो मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया जाए, लेकिन मेरे पास भी कोई अपडेट था नहीं, लेकिन अभी मुझे एक अपडेट मिला तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ LIC एम्पैनलिस्ट को लेकर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पर रखा है बीटर ट्रूथ, मीन्स अभी मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है। इनफैक्ट इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स जितने भी मेरे LIC ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स हैं, मैंने 2-3 जन को फ़ोन करके पूछा कि LIC एम्पैनलिस्ट का क्या स्टेटस है अभी एट प्रेजेंट। तो उन्होंने ये बीटर ये कड़वा सच बोला है कि आपका अभी तक कोई भी जिक्र हो नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन में LIC एम्पैनलिस्ट को लेकर। हाँ, लेकिन ये है कि LIC असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को लेकर और WO नोटिफिकेशन को लेकर बातें चल रही है उनके डिपार्टमेंट में। सो इससे आप मान के चलिए कि LIC WO का नोटिफिकेशन और LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन आने के पहले आपका LIC एम्पैनलिस्ट का जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और जैसे आप सबको पता है कि हाल ही कुछ 15-20 दिन पहले एक LIC ऑर्गेनाइजेशन ने एम्पैनलिस्ट के लिए नोटिस जारी किया था कि सर इनका LIC यूनियन ने अपना नोटिस जारी किया था LIC ऑर्गेनाइजेशन को कि LIC एम्पैनलिस्ट के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और बहुत सी सीटें खाड़ी पड़ी थी जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। आप चाहे तो देख सकते हो LIC एम्पैनलिस्ट का मेरे चैनल पर जाके। तो मैंने LIC एम्पैनलिस्ट में ये बताया था कि 8,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, लेकिन रिक्रूट सिर्फ इन्होंने 5,000 के आसपास की है, रिक्रूट सिर्फ इन्होंने 4-5,000 के आसपास किया, जिसके से वैकेंसी बहुत खाली पड़ी है। और वो जो वैकेंसी खाली पड़ी है कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और कुछ लोग LIC एम्पैनलिस्ट में हैं, जिसके से अभी तक उनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो और मैन पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो LIC यूनियन वालों ने फाइनली एम्पैनलिस्ट के लिए उनको नोटिस दिया कि प्लीज़ LIC एम्पैनलिस्ट का फाइनल करिए, बिकॉज इनका भी 2 साल का पीरियड रहता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और जो भी LIC एम्पैनलिस्ट में उनको भी अच्छे से पता है। तो 2 साल में से ऑलरेडी 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, तो आप मान के चले कि LIC एम्पैनलिस्ट का आज नहीं तो कल ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि LIC असिस्टेंट का और WO का नोटिफिकेशन बाय सितंबर तक आपका रिलीज़ हो सकता है। सो पढ़ाई करते रहिए और आप SBI क्लर्क पे फोकस करिए और RRB पे फोकस करिए, फिर वो RRB PO और क्लर्क दोनों पे फोकस करिए, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा LIC एम्पैनलिस्ट को लेकर। ओके, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।